मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इसके लिए कहाँ क्या कार्यवाही की या कहाँ ज्ञापन दिया, उसकी जानकारी दें। अभी तक तो मैं कलेक्टर साहब को लेटर दी हूँ कि रासुका जो लगाए हैं वो हटाई जाए, वो हमारे पति के ऊपर गलत लगाई गई है। वो रासुका लायक तो है नहीं, जो उनके साथ ये मुकदमे जो लिखे हैं तो सब सामाजिक है, उसकी जांच हो, बस हमको न्याय चाहिए। मैं एक ही जगह लेटर दी। जैसे आपके पति पे इतने सारे आरोप लगे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, तो उनपे गुंडागर्दी, मारपीट और टैक्स वसूली का ये सब इलीगेंस लगे हैं, इस बारे में आप क्या जानती हैं? इस बारे में मैं ज्यादा तो अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी इनके मुकदमे हैं तो सारे गलत लिखा है, क्योंकि हमको इतना तो पता है जो ये कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों में जैसे कहीं छोटी मोटी बाधाएं आ जाती हैं, जैसे किसी के घर के सामने रोड बन रही है, उसका सामने से घर बन गया तो तोड़वा दिए, उसमें झगड़ा हो गया। किसी के घर के पास खंभा गड़वा रहे हैं, वो मना कर रहा है, उसके बारे में झगड़ा हो गया। और कोटेदार राशन कम तौल रहे थे, उसमें झगड़ा हो गया। इन्हीं सब चीजों में जो यहाँ मुकदमे हुए, इस वजह से हुए। अच्छा, ये जैसे जिस दिन कार्रवाई हुई उस दिन आप घर पे नहीं थी, जब आप आई तो आपको क्या पता चला? जब मैं घर पे आई तो पहले तो मेरे बच्चे मुझे मिले, रोना शुरू कर दिए, क्योंकि दो बच्चे ही घर में जब मैं गई, उन बच्चों को छोड़ के गई थी। मुझे बस एक दिन के लिए जाना था कटनी, तो मैं जब मैं दूसरे दिन वापस आई। उस दिन मैं जब कटनी गई तो इसकी मेरा कैमरा जो है मोबाइल से चलता है, मैं मोबाइल में एक बार मुझे बाहर रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर, तो नहीं घूम रहे गेट वगैरह, तो मोबाइल खोली मैं 3:30 बजे के लगभग, ऐसे खोली तो मेरे हॉल में पूरी पुलिस भरी हुई थी, पूरा हॉल भरा था, पूरी रोड यहाँ से वहाँ तक जितनी रोड है भरी थी। मैं बड़े बेटे के पास फ़ोन की, पहले 2-3 बार लगाई तो नहीं उठाया, एक तो उठाया तो बोला मम्मा पुलिस बहुत आई है, क्या करूँ? तो मैं कही कि पुलिस आई है तो आप अंदर रहो, गेट बंद कर लो और पापा जी को फ़ोन कर दो, और अगर तुम्हें जाना हो तो बात करा दो मेरी। बोला नहीं मम्मा बहुत पुलिस है। हम कहे ठीक है, फिर तुम अंदर ही रहना, मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों के साथ जो भी हुआ होगा वो बच्चे ही साथ बता सकते हैं, तो हो गया। फिर मैं इतना सूचना मिलने के बाद मैं कटनी तो पहुँच गई, बस मैं वहाँ से फ़ोन में देखी और इतना सूचना बच्चों को दे दी, और अपने भाई मैं भी डर गई कि मैं यहाँ हूँ और मेरे बच्चे वहाँ अकेले परेशान, तो जिसको जहाँ हो सका तो मैं फ़ोन की अपने घर में कि ऐसे ऐसे हो रहा, तो अब कौन आया कौन गया भी बच्चे बता देंगे कि क्या क्या हुआ। जैसे बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि अलमारी भी तोड़ी गई है आपकी, वही मैं जब वहाँ से फिर कटनी से मैं 4 बजे भोर में गाड़ी करके रीवा आई। रीवा में सारा दिन थी, क्योंकि कमांडो साहब को रीवा में शिफ्ट करना था, यहाँ से चाकघाट से रीवा में ले जाना था। हमको ऐसा पता चला तो मैं रीवा में रुक गई कि अगर यहाँ मुलाकात हो जाती है मैं उनसे भी मिलूंगी और पता उनसे पूछूंगी भाई क्या हुआ था। तो रीवा में दिन भर थी मैं, और रीवा में मुझे उनको मतलब अकेले बैठ के बात भी नहीं करने दी पुलिस। ये मतलब एक हमारे साथ वही हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है कि वो आतंकवादी तो थे नहीं, एक फौजी हैं। अब मैं फौजी की बीवी मिलने ही गई थी, अब मैं घर में नहीं थी इसलिए गई, अगर घर में होती मेरे सामने गिरफ्तारी होती तो मुझे पता होता। अरे मैं बाहर से आ रही हूँ तो ये मेरे पुलिस वालों को 2 मिनट के लिए मुझे मिलने देना चाहिए, तो नहीं मिलने दिए। पर वो दिन भर मेरा वहाँ चला गया। मैं फिर उसी रात को 30 तारीख के रात में मैं रात में यहाँ 10 बजे घर आई। घर में देखी कि पूरा घर मेरा तोड़ा पूरा। पहले तो बच्चे आते ही खूब रोने लगे, दोनों बच्चे ही थे, छोटा वाला मेरा 12 साल का है और बड़ा वाला 15 साल का है, मुझे देखते ही खूब रोए। बताओ क्या हो? देखी तो मेरा पूरा घर बिखरा हुआ, दरवाजा टूटा हुआ, सीसीटीवी कैमरा का तोड़ के उसका जो बॉक्स होता उसको जो उठा ले गए, अलमारी तोड़े, दरवाजा एक अंदर का टूटा। तो ये आतंकवाद का तो घर नहीं है, और सूचना भी नहीं थी। और हम कहते हैं कि आपको लगता है कि कमांडो साहब घर में थे, तो अभी तक हमारे संज्ञान में तो ये नहीं था कि कमांडो साहब को ये सूचना मिली है कि आप आके अरेस्ट हो जाओ, आपके खिलाफ ऐसा ऐसा है। तो अगर ये चीज अगर दिए होते तब अगर कमांडो साहब कहीं घूमते ना मिलते तब उनके साथ ही व्यवहार किया जाता तो ठीक था, लेकिन ये सारी सूचना कुछ भी नहीं दी गई। हमें भी कहते हैं कि पुलिस घर में आई, दरवाजा बंद था, पुलिस का ये एक यहाँ पे पुलिस हमारी नजर में ये गलत है कि जब दरवाजा बंद है बच्चे अंदर हैं तो उनको एक बार, मेरा नंबर हर जगह है, मुझे भी पता है अगर वो कहते हैं कि नहीं है फिर भी है मेरा नंबर, हर सबके पास मेरा नंबर है। एक कॉल कर सकते थे कि मैडम मैं घर आया हूँ, कमांडो साहब जहाँ कहीं भी हैं उनको भेज दो, नहीं तो मैं ऐसा ऐसा करूँ। तो इसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी फिर मेरी थी, मैं पूरा इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी लेती। आपको जानकारी मिलनी चाहिए थी। मुझे जानकारी ये ना देके ये हमारे नजर में बहुत गलत है, और ये इसको मैं गलत आपकी तरफ से भी पूछना चाहती हूँ, गलत है कि सही है? नहीं बिल्कुल, ये नहीं, पुलिस आई जब हमारा दरवाजा बंद है तो पुलिस को ठीक है, आपके पास सर्च वारंट था तो मेरे बुलाते प्रेम अच्छे से, भाई जब बच्चे आपको लग रहा है कि बच्चे हैं गेट नहीं खोल रहे तो आपको अच्छे से बुलाना चाहिए कि बेटा आओ ये देख लो लेटर, और पापा कहाँ हैं या मम्मी कहाँ उनसे बात करा दो मेरी। जैसे मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अभी आपकी उनसे मुलाकात हो पाई इतने दिनों में? नहीं, अभी मैं चक्कर काट रही हूँ, ये सब होने के बाद मेरे घर आने के बाद ये सब हो गया। उसके दूसरे दिन मैं फिर गई, उस दिन जाके वहाँ पे बैठी, नहीं दूसरे दिन तो छुट्टी थी उसके, 31 तारीख को छुट्टी थी, फिर मैं जो है फिर तीसरे दिन जब गई शुक्रवार, पूरा दिन चक्कर काटी इधर उधर, वकील लोग से जो जैसे हमसे मतलब जहाँ से लगा कि मदद मिलेगी बातचीत हुई। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से कलेक्टर साहब से मिलो, वहाँ लेटर दो, सूचना तब मिलने देंगे, पहले बात होती हुई तो ये हुआ कि उनको मिलने नहीं, अभी आपको मिलने नहीं दिया गया है उनसे, अभी नहीं, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, कुछ आश्वासन प्रशासनिक अधिकारियों से किसी तरह का? कल मैं गई थी रीवा तो कलेक्टर साहब मुझसे मिले, कल मतलब मैं बैठी थी वहाँ 10 बजे से, कलेक्टर ऑफिस में 10 बजे से बैठी थी लेटर लेकर के, बस अनुमति के लिए, ये हुआ कि अनुमति ले लो तो हम फिर मिलने देंगे वहाँ जेल वाले का जो नियम होगा। तो मैं 10 बजे से बैठी थी तो कलेक्टर साहब वहाँ 3:30 बजे आए तो उनसे उनका साइन हुआ, बोले कि ठीक है देखते हैं अनुमति, आप अपना साइन करके बोले कि एसपी साहब से मिल लो। तो एसपी ऑफिस में फिर गए उनके बाद, तो एसपी साहब बैठे नहीं थे, ये हुआ कि 5 बजे उनकी मीटिंग है तो मैं 6 बजे तक वेट की क्योंकि मीटिंग में थे तो मीटिंग में तो जा नहीं सकती हूँ। फिर कलेक्टर ऑफिस में जाके मैं 6 बजे तक फिर भी वेट की, वापस एसपी ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस फिर गई और बैठी थी वहाँ पे। मैं सोची बाहर निकलेंगे तो बता दूंगी कि सर ऐसे बोले हैं और लेटर दिखा दूंगी, तब तक नहीं आया। उसके बाद मैं फिर वापस आ गई, अभी तक हम फोन नंबर डाला उसमें भी तक ये भी नहीं आया कि आप मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती, ये सूचना भी कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में, अभी तक हमको कुछ भी जानकारी नहीं, कैसे हैं क्या है। और उनके ऊपर ये रासुका लगाए हैं ये तो हमारी तरफ से भी गलत ही है, अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं क्या कैसे है उनका मुकदमे जो जैसे है, इसको तो अब आप लोग देखेंगे। ये थी एक फौजी की पत्नी और बच्चे जिन्होंने ये बताया कि पुलिस ने कार्यवाही की, लेकिन किस ढंग से की, वो कितनी जायज और कितनी नाजायज।